संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन था। संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन की शुरुआत सुबह 11 बजे हुई। सबकी नजर आज लोकसभा में प्रियंका गांधी पर थी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद के रूप में शपथ ली। इसके साथ ही वह संसद में अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के साथ शामिल हुई। इसके अलावा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे और बेटी रिहान वाड्रा और मिराया वाड्रा भी संसद पहुंचे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड में हुए उपचुनाव में 6,22,000 वोटों से जीत हासिल की थी। नमस्कार, मैं सुरक्षा और आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा के सदस्य बन गई। उन्होंने गुरुवार को सदन की सदस्यता की शपथ ली। इस दौरान उन्होंने अपने हाथ में प्रतीकात्मक तौर पर संविधान की लाल किताब पकड़ी हुई थी। उनके स्वभाव भाव से स्पष्ट हो गया कि वह लोकसभा में भाई राहुल गांधी के तेवर पर ही अपनी भूमिका निभाएंगी। प्रियंका गांधी केरल की वायनाड सीट से उपचुनाव में निर्वाचित हुई है। गौरतलब है कि इसी सीट से राहुल गांधी निर्वाचित हुए थे, लेकिन 2 सीटों से चुनाव जीतने की वजह से उन्होंने वायनाड छोड़ दी। इसके बाद वहां हुए उपचुनाव में प्रियंका गांधी सदन पहुंची। बता दें, प्रियंका गांधी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक और महासचिव रही हैं, लेकिन संसदीय राजनीति में उन्होंने अब एंट्री की है। वह कांग्रेस की रणनीतिक टीम की हिस्सा हैं। सदन में उनके आने से विपक्ष को एक ताकत मिलने की उम्मीद की जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन संविधान पर खतरे को मुद्दा बना रहे हैं। इसका कुछ हद तक लोकसभा चुनाव में उनको फायदा भी मिला, लेकिन बाद से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की लुटिया पूरी तरह डूब चुकी है। बावजूद इसके राहुल गांधी संविधान पर खतरे को मुद्दा बनाए हुए हैं। शपथ लेने के तुरंत बाद जब प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी सीट की ओर बढ़ी, तभी उन्होंने भाई राहुल गांधी को नमस्कार किया। फिर भाई बहन ने हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया। खैर, अपने लोकसभा करियर के पहले दिन प्रियंका गांधी ने भाई राहुल गांधी के मुद्दे को जिस तरह से सपोर्ट किया, उससे तो यही लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को और उठाएगी। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद।